अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमरीन अली और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। नाजरीन, अमरीकी सदर ने 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद 19 अप्रैल से वैक्सीन लगवा सकेंगे। हमारा वैक्सीन प्रोग्राम कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीका 150 मिलियन खुराकों का इंतजाम करने और 62 मिलियन अफराद को वैक्सीन लगाने वाला पहला मुल्क है। अमरीका में इससे पहले 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन की तारीख 1 मई मुकर्रर की गई थी। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने खसूसी सदारती मंदो बराए मौसमिया जॉन केरी को खत लिख दिया। खत में मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में मदु किया जाए। अमरीकी रुकन कांग्रेस टेड डब्ल्यू लेव ने खत में लिखा है कि पाकिस्तान माहौलियात से मुतासिर दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को मदु न करना समझ से बालातर है। उनका कहना था कि पाकिस्तान 22 करोड़ आबादी और उभरती मईशत का हामिल मुल्क है। आलूदगी के खात्मे की कोशिशों में पाकिस्तान की अहमियत मुस्लिम है। टेड डब्ल्यू लेव ने मजीद लिखा कि पाकिस्तान के हमसाये ममालिक बांग्लादेश और भारत को मदु किया गया है। पाकिस्तान को भी मदु ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जाए। सऊदी अरब में वजारत इस्लामी अमूर ने मजीद 6 शहरों में नमाजियों के कोरोना वायरस में मुब्तला हो जाने के बायस 15 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद कर दी। वजारत इस्लामी अमूर का कहना है कि गुज़िश्ता 58 रोज के दौरान ममलिकत भर में 490 मसाजिद बंद की गई थी और इनमें से 461 मसाजिद सैनिटाइजिंग और हिफ्ज़ान सेहत के इंतजाम मुकम्मल होने के बाद खोल दी गई हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेंड्स ने पाकिस्तानी नैया सऊदी शहरी खदीजा मलिक को इनकी अवामी खिदमत के एजाज में एजाज से नवाज दिया। मजीद जानते हैं सऊदी अरब से अरूज असफर की इस रिपोर्ट में। تشارك في كل عمل خير وتدعم المبادرات وتدعم المبادرات الاعلاميه خديجه ملك علاقات عامه شبكه الاعلام السعودي। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेंड्स के जरिए तमाम एक खसूसी तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें पाकिस्तानी नियात सऊदी शहरी खदीजा मलिक को उनकी सऊदी अरब में अवाम की पेलो खिदमत के एजाज में शहजादी मिशाल बिनते मुकरन बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की सरपरस्ती में अक़वामे मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी फेडरेशन में एजाज से नवाजा गया। इस मौका पर अपनी हैर मकदम तकरीर में खैर सगाली सफीर और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल नीड्स की नुमाइंदा डॉक्टर वफा अबू खादी ने जद्दा से ताल्लुक रखने वाली सहाफी और सऊदी इंटरनेशनल मीडिया फोरम की सदर और ताल्लुकात आमा की सरबरा खदीजा मलिक को उनकी बेलोस इंसानी खिदमत और उनके मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद करने और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए उनके किरदार के एतराफ में तंजीम की तरफ से सर्टिफिकेट से नवाजा। खदीजा मलिक ने तारीफी सर्टिफिकेट मिलने पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा किया और हाजरीन को रमजान की पेश की मुबारक दी। दियारे गैर में मौजूद पाकिस्तानी भी उनकी काविशों पर फख्र महसूस करते हैं। देसी टीवी यूएसए के लिए उरूज असगर, जद्दा, सऊदी अरब। मस्जिद अल हराम में रमजान के दौरान उमरा जायरीन और नमाजियों की तादाद में बड़ी गुंजाइश का फैसला कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुकद्दस मसाजिद इंतजामिया का कहना है कि मस्जिद अल हराम में हर रोज 50,000 अफराद उमरा और 1,00,000 अफराद नमाज अदा कर सकेंगे। SOPs पर हर सूरत अमल करवाया जाएगा। इंतजामिया ने बताया कि उमरा और नमाज के इजाजत नामे और तरजीह सिर्फ तवक्कलना ऐप से वैक्सीन होल्डर्स को दिए जाएंगे। इंतजामिया का मजीद कहना था कि इस सिलसिले का आगाज या कम रमजान 13 अप्रैल से शुरू होगा। कोरोना SOPs की पाबंदी लाजमी होगी। एहतियाती तदाबीर में समाजी फासला, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल शामिल है। मसाजिद में इजाजतनामे इन उम्मीदवारों को दिए जाएंगे जो कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके होंगे या पहली डोज पर 14 दिन गुजर चुके होंगे। टेक्नोलॉजी पर नजर रखने वाले माहिरीन ने इंकशाफ कर दिया कि हैकर्स ने फेसबुक के 53 करोड़ से ज्यादा सार्फीन का डाटा ऑनलाइन लीक कर दिया। इंटरनेट पर 106 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 53 करोड़ 30 लाख से ज्यादा फेसबुक सार्फीन का जाती डाटा शेयर किया गया।
जिसमें फोन नंबर, तस्वीर, लोकेशन समेत दीगर जाती मालूमात शामिल थी। टेक्नोलॉजी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि हैकर्स फेसबुक सार्फिन के नाम, लोकेशन, ईमेल और जाती मालूमात को इस्तेमाल करके जाली अकाउंट्स बनाकर फ्रॉड कर सकते हैं या सार्फिन को किसी भी वजह से मुश्किल में डाल सकते हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। सेंचुरियन में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जिस पर पाकिस्तान ने 320 रन बनाए और हदफ के ताकुब में पूरी टीम 292 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से इमाम उल हक और फखर जमान ने इनिंग्स का आगाज किया और दोनों खिलाड़ियों ने टीम को 112 रन का शानदार आगाज फराहम किया। इमाम उल हक 112 के मजमुई तौर पर 57 रन बनाकर आउट हुए। और अब मौसम। मैं हूं बिस्मा सत्तार। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जुमेरात के रोज़ गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। जुमे को इन मस्कूरा इलाकों में मौसम खुश्क होगा। जुमेरात से हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म होगा। रवां हफ्ते के दौरान सूबा सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अज़ला में मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहेगा। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल DCTV USA। अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कीप वॉचिंग DCTV USA।